ये है एक इलेक्ट्रिक साइकिल और ये पूरी इंडिया में बन रखी है। हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां, होवरबोर्ड, बाइक, स्पोर्ट्स कार सब कुछ ट्राई करके बड़ी वाली हमने देखा शॉक टैंक पे आ रखी है। भाई ने बोला खुद बुला के टेस्टिंग करेंगे। एक्चुअली साइकिल के प्राइस में ही आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल मिल जाती है, तो इसलिए हमको भाई मन कर गया भाई टेस्ट करने का। लुक अगर आप देखोगे भाई नियॉन सा बना रखा है, येलो ग्रीन का मिक्सचर ऐसे चमक रहा है। हाईवे पे अगर आप चल रहे हो ना लाइट मारोगे तो एक्चुअली चमक के वापस दिखेगा। ये सारी चीजें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहती है और भाई दिखने में भी कूल रहता है। उठाने में तो सही है, कार्बन स्टील करके फ्रेम है, एक हाथ से उड़ जाएगी साइकिल, इतनी कुछ हाथ भारी नहीं है। यहाँ पे फ्रंट में नॉर्मल सा टायर, आप बोलोगे ये क्या लीवर दे रखा है, ये एक्चुअली टायर निकालने का लीवर है। फ्रंट पे पूरी लाइट लगा रखी, ब्रेक ये ना नॉर्मल वाली लगा रखी है। यहाँ पे मॉडल एल लिखा हुआ है, ये मेड फॉर अर्थ। भाई मेरे को स्पेशल मेड फॉर झुमरी तलैया चाहिए। पेडल वेडल पूरे नॉर्मल साइकिल के, ये मड़गाड़ से लगा रखा है। इससे होता क्या है कि समझ लो मिट्टी उट्टी में चला रहे तो पीठ पे आपका डिजाइन नहीं बनेगा। बट एक चीज है, ये देखो को लगेगा भाई डिक्की लगा रखी है बोतल रखने के लिए। एक्चुअली इस एरिया में ना काफी साइकिलों में डिक्की होती है। ये पूरा एल्यूमिनियम का केस है, यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। तारियां अगर आप देखोगे भाई इसके अंदर यहाँ से नीचे से निकल के यहाँ पे ऐसे पीछे जा रही है। ये वाला जो एरिया है ना दिखने में आपको लगा थोड़ा सा मोटा सा है, ये मोटा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर है। यहाँ से स्क्रीन ऑन होती है और यहाँ पे दिखा रहा है भाई, ये देखो पूरी बैटरी दिखा रहा है। और बोलोगे लाइट जलती कहाँ से, यहाँ से ऑन ऑफ वाले बटन है भाई फोन का। भाई इलेक्ट्रिक हॉर्न है, मजाक नहीं। फ्रंट में लाइट जल गई, ज्यादा धूप है लाइट जला के अभी तो क्या ही करोगे। इसमें ना इंडिकेटर का भी दे रखा है बट इस वाले वर्जन में है नहीं, तो पता नहीं किसको इंडिकेटर दे रही है। किसी ना किसी को तो दे रही है इंडिकेटर अपनी पुरानी बाइक को। आप बोलोगे ये सारी चीजें बढ़िया है, अब इसकी चार्जिंग कैसे करते हैं भाई। अभी है इलेक्ट्रिक साइकिल, ये है इस इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरी। भाई मैंने यहाँ बैटरी हटाई नॉर्मल साइकिल, अगर आपको चार्ज करनी है आप यहाँ पे लगता है देखो ऐसे फ्लिप कवर है और चार्जिंग पे लगा। भाई मेरे को ना ये चीज बहुत तगड़ी लगी क्योंकि इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक साइकिलें करी है ना उनको खड़ा करके पार्किंग में चार्ज करना पड़ता है। लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही यार, भाई मेरे से तो जा ही नहीं रही है, वो लगी भाई मतलब जेन्युइन मेरे को ऐसी फील आ रहा है कि साइकिल कहीं और से उठाई थी। इसमें दो तीन चीजें यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे लगा दिया, पीछे वो थोड़ा मोटर वोटर लगा दी। भाई सही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जब तक ये सेफ हो और जब तक भाई चले बढ़िया। एक दो चीजें मेरे को लगी कि इसको ना ऑन ऑफ करने में सेम स्क्रीन निकाल रहा, उसमें कुछ ऐसा डिस्प्ले नहीं है कितनी स्पीड है क्या है। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम चाहिए होगा और उसके साथ ये 35 किलोमीटर चलेगी। मेरे यहाँ 50 किलोमीटर अगर चल जाते तो बढ़िया रहता, बट ठीक है यार पेडल वेडल मारो या मतलब 10 किलोमीटर का भ्रमण कर सकते हो आप बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी। है तो सही बट भाई पहले ना मेरे पास स्मार्ट वॉच आती है ना, सबसे पहले मैं देखता हूँ उसमें टाइम दिख रहा ही नहीं। ऐसी भाई सबसे पहले साइकिल को नॉर्मल टेस्ट करके देखते हैं भाई कि मतलब इलेक्ट्रिक ही मारते जाओ बीच में बंद हो गई फिर आउट। कुछ भी बोला स्मूथ ही चलती है, समझ लो अगर आप थक गए तो आप मतलब इसको ऐसे इलेक्ट्रिक चला सकते हो तो बढ़िया है अपना, मतलब देखते हैं कितनी तेज चला सकते हो। भाई कितनी स्पीड है, 35 में चल रही है और बापरे पैडल मार के देखते हैं कितने तक जाती है। अभी कितनी स्पीड है, ओ भाई मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 35 तक चलाना, ये इंडिकेटर नहीं है, हाथ देना पड़ेगा। भाई खड़े होके भी चला सकते हैं ये। भाई एक दो चीजें मेरे को सही लगी कि ना मतलब साइकिल थोड़ी हल्की सी है तो मतलब क्वालिटी में थोड़ी हल्की फील होती है वैसे, बट चलाने में भी ना पेडल पे ज्यादा जोर नहीं मारना पड़ता, बस सीट थोड़ी कड़क सी लग रही है। मैंने 5-10 मिनट चलाई तो अपना थोड़ा टाइट हो रहा जैसे चलाते चलाते ना पेडल से चार्ज भी हो जानी चाहिए थी तो उसकी रेंज बढ़ जाती। और भाई इतनी तेज अगर चलती है 35-37 की स्पीड पे चल रही है तो भाई मेरे हिसाब से ये ब्रेक ना डेंजरस है थोड़े, क्योंकि डिस्क ब्रेक सेफ रहते हैं, इन ब्रेकों में 35 की स्पीड में ना हल्का वॉबल करती है साइकिल और डर लगता थोड़ा। भाई इसकी वेबसाइट पे तो लिखा था ड्राइविंग मोड वोड सब, बट इसमें है नहीं कुछ। वो वो भाई पेडल ही नहीं मारना पड़ता, ये मजा आता है। हमने काफी गर्मी में अच्छी खासी चला ली बट बैटरी बिल्कुल गरम वरम नहीं हो रही, वो मेरे को सही लगा भाई। अब टाइम आ गया भाई ऑफ रोडिंग का, तो भाई चढ़ेगी चढ़ जाएगी। मोमेंटम थोड़ा लेके आओ तो चढ़ जाएगी, सरों में भी चेक कर लेंगे भाई, जंप मार के देखता हूँ। देखो एक दिक्कत है इसमें ना, आगे दे रखा है शॉकर ना पीछे, तो अगर आपको इसमें शौक तशरीफ से दिमाग था सीट टेढ़ी हो गई भाई, ये मेरे को ना शौक लगा ऐसे करके अटका लिया था मैंने थोड़ा सा पीछे होके, बट भाई थोड़ा डेंजरस तो है। टोक्यो ड्रिफ्ट करके दिखाता हूँ, भाई ये सारी साइकिलें सही हैं और सबसे तगड़ी साइकिल भाई ये हुई ना ये कूल स्टाइल जेन ज़ी, ये अपने भाई ओल्ड स्कूल वो भाई इसी में असली मजा, ये देखो घंटी भाई ये हुई ना बात। भाई ये भी इलेक्ट्रिक साइकिल है, ये बिजली कड़कती हुई जाती है, इससे बिजली जो कड़कते उसे चार्ज आते हैं साइकिल। सबसे पहले भाई कंपैरिजन करने के लिए अपने चला लेना चाहिए हमको टेस्टिंग भाई, वो भाई पैसे नहीं ऐसे शुरू आता है क्या। हाँ और भाई चला
भाई इसमें ब्रेकें की भी खराब नहीं होती, इसकी डिस्क ब्रेक से तगड़ी ब्रेक है। अरे भाई तुम टेंशन मत लो, तू सामने ही बैठ गया, पीछे ही बैठ सकता, मैं चलाऊंगा, हार जाओ। वन रेडी द्रोण भाई। ओ ओ ये ओ अरे भाई ओ ओ अरे पीछे रुक गए, पेडल मार दो तेज भागती है। ओ भाई भाई होता गया, जब मैं ऐसे खाली इससे चला रहा था ना तो ऑलमोस्ट बराबर बराबर चल रही थी, जैसे पैडल मारे तो पैडल और इसका ये डबल स्पीड हो जाता, पैडल मार के इसको 30 किलोमीटर पर आवर तक भी ले जा सकते, पर चला के देखता हूँ बराबर बराबर चल रही है भाई, बड़ा अगर मैंने पैडल मारे तो आगे चला हूँ, वैसे नॉर्मल नॉर्मल पैडल मारे तो ये भाई पैडल मार के भी जीत गए भाई। एक चीज और तोड़ देगी, 0-25 किलोमीटर पर आवर जाती है भाई 3 सेकंड के राउंड में, काफी तेज है भाई, एकदम से भागती है। हार कैसी लगी आपको? मैं इससे भाई हरा सकता भाई, बहुत तेज चलती है, इसके टायर भी बड़े बड़े होते हैं भाई, इस पे पैडल पे भी जोश ले रहे हैं, मैं डबल जोश से लाऊंगा इसको। हम भाई आज हार नहीं मानेंगे, देखते हैं कौन जीते। चलो भाई हम ना आरव भाई को थोड़ा हेड स्टार्ट दे देंगे, 1-2-3 कर दे भाई, 1-2-3 ओए इतनी जल्दी आरव भाई लग रहा है जीत नहीं पाएंगे। ओ भाई तेज चला रहा, तेज चला रहा आरा तो तेज चलाता भाई भाई, लेकिन इसमें वही है कि पेडल में जब तक मारना तब तक मैं बराबर चला सकता, जैसे ही मैंने ये मारा ना तो ऐसे स्पीड आ जाती है थोड़ी और भाई, देखा धूल चढ़ा दी भाई। अब टाइम आ गया साइकिल को बुलेट बनाने का, मैं साइलेंसर लगा लिया अपना प्लास्टिक वाला, अब आएगा मजा। गन्ने की मशीन की आवाज कर रही है भाई, ये आइडिया भाई किसका था? मेरे को बुलेट हमेशा से चाहिए थी तो मैंने सोचा इसको बना लेते हैं भाई। हमने क्या क्या करा बचपन में यार, अब हम करेंगे ब्रेकिंग टेस्ट, पूरी दबा दी थी बट रुकी भाई थोड़े टाइम बाद, मैंने यहाँ पे दबाई बड़ी देर में रुकी भाई, ये सेफ नहीं लगी मेरे को भाई, एकदम स्पीड से चला चला। इस टाइप की साइकिल में डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, कभी भाई एकदम से कुछ आ जाए तो रोकने के लिए 10-15 मीटर लगेंगे तो भाई एक्सीडेंट हो जाए भाई। अब हम करेंगे टॉप ओवर, फौलादी ध्रुव भाई ये हमारी पहलवानी वाली टीम लीड करते हैं, और इनके अंदर 10 घोड़ों की ताकत है। इंसान वर्सेस साइकिल, देखते हैं कौन जीतता है। ओए भाई मैं पूरा एक्सीलरेटर दे दिया भाई, इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अब आ गया भाई टाइम, इलेक्ट्रिक साइकिल वर्सेस ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई जीत रहे हम। देखो इसमें ऐसा है कि जिसने थोड़ा मोमेंटम बना लिया वो थोड़ा आगे निकल जाता है, उसमें वैसे बिना बिजली के भी दम तो है। इस वाली साइकिल की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब आप हाईवे के साइड साइड में चला सकते हो साइकिल। वैसे है तो ये काफी छोटी सी मोटर बट 350 वॉट की पावर ये निकाल पाती है, और इसमें काफी सारी दिक्कत है बट इंडिया में भाई इलेक्ट्रिक साइकिल के हिसाब से काफी ज्यादा सस्ती है, 25,000 रुपए से मिलना ये स्टार्ट हो जाती है साइकिल, और भाई चलने में मजा भी आता है, और यूजुअल साइकिल भाई 10-15 हजार की अब आने लगी है, तो 25,000 एक इलेक्ट्रिक साइकिल के मेरे हिसाब से भाई पैसा बचता है।